अच्छा ओ मैं भी अच्छा ओ मैं भी अच्छा महिमा तो देखो, आज उसने फिर वही रूप दिया है जो 20 साल पहले लिया था। इतिहास आज के समक्ष आकर खड़ा हो गया है, वो हमें चुनौती दे रहा है। ये इसका अंत नहीं, प्रारंभ है जो तुम्हारे परिवार के साथ हुआ था। मैं भूला नहीं हूं, ना तुम्हें भूलने दूंगा। प्रतिशोध होगा। कल जो अन्याय हुआ था उसका न्याय होगा। ये जाओ
उस परिवार के विनाश का आवाहन कर दो। अरे बजाना क्यों बंद कर दिया? कुछ नहीं भाभी, कुछ नहीं हुआ। वो थोड़ा सा ना इंस्पिरेशन का इशू हो गया था। मतलब? वो क्या होता है ना भाभी कि कुछ लड़कियां होती हैं जिनको देख के मन करता है कि बस गाते ही जाओ। एंड ट्रस्ट मी भाभी, जैसे ही मैंने आपको देखा ना, तुम आवाज आई। बेटा अर्जुन, गाना बंद कर दो। प्लीज डोंट माइंड हर, ये घर पे भी ना ऐसे गंदे गंदे जोक मारते हैं। अच्छा, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है कि तुम यहाँ से हमारे घर आ रही हो। हम ना तुम पे ऐसे जोक्स तो क्रैक नहीं करेंगे, तुम्हें बहुत हैप्पी हैप्पी रखेंगे। हम शॉपिंग जाएंगे साथ, पार्लर जाएंगे और करवा चौथ नहीं, मैं भूखी नहीं रह सकती। तू बहुत एक्साइटेड थी ना कि अब मेरी ऋतिक के साथ शादी होगी, बारात आएगी, मैं वरमाला करूंगी। तो उसके साइड इफेक्ट्स भी झेलो। भाभी, इसे ना वैसे घूंघट निकलवाना है, इसे लंबा वाला। वैसे मैं कोई भी ओल्ड फैशन चीज नहीं करने वाली, और मेरे ऋतिक को ना कुछ नहीं होने वाला। भाई साहब, आपने के ऋत्विक को देखा? नहीं तो, और सारे बच्चे बाहर हैं, उन्हीं के साथ होगा। और ये तो वहीं होंगे जहां उन्हें होना चाहिए, सेहत बना रहे होंगे अपनी। दो सौ सात, 208। स्टेमिना बढ़ता जा रहा है, ऋतिक को कहीं तुझसे कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। हो गया, चले। 16 एंकी, सब वेट कर रहे हैं, सारा काम मैं अकेले संभाल रही हूँ। चौथा सेट है। जिस बेटे की एंगेजमेंट को एक दिन हो, उसके बाप को क्या करना जरूरी है? बाइसेप्स करना। बाइसेप्स हो गई, ट्राइसेप्स बाकी है। हैंकी, आपको पता है आपका बेटा कहाँ है? आपको मेरे शौक के बारे में पता है, आपके बेटे के शौक के बारे में नहीं पता। नेटवर्क नहीं आ रहा है ना? नेटवर्क ढूंढ रहा होगा। मतलब ऋतिक, ऋतिक की हवेली से बाहर गया? ऊपर से ये मौसम, हैंकी आपने उसे जाने कैसे दिया? आपको पता नहीं कि 20 साल पहले यहाँ क्या हुआ था? अच्छी तरह याद है मुझे कि 20 साल पहले यहाँ पे क्या हुआ था। लेकिन ना, अगर आप इस बात को बार बार दोहराएंगे ना, तो आपके बेटे को यह बात जरूर पता चल जाएगी, और फिर आप क्या करेंगे? क्या करूं मैं? भूलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन याद आ जाती है। याद आ जाती है। आप जानती है ना कि मुझे 20 साल आगे आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? एक नया इंसान बनने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा है? आज मैं इस देश का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन मैग्नेट हूं। मैं बस यही बने रहना चाहता हूं। सुनो, वो देव डी लॉक है ना? हाँ, तीन चार बार चेक कर ले, एक बार फिर चेक कर लेती हूँ। इस जगह पर मुझे भरोसा नहीं है। तो फिर क्यों आई हो वापस? क्योंकि डर लगता है मुझे इस जगह से, और डर भाग जाने से नहीं, सामना करने से खत्म होता है। ये आदमी इतने आराम से कैसे बैठा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पता नहीं ऋतिक कहाँ है। हाँ।
से पता नहीं। पांच दिन रह गए तेरी शादी को यार, डर नहीं लग रहा? कहीं कोई नजर ना लग जाए, इतना परफेक्ट जो है मेरा रहते। अबे ये बताओ तूने कुछ लॉन्जरी खरीदा या नहीं? मेरी माँ पागल है क्या? मेरे बस यही कहीं घूम रहे होंगे। बता दो ली के नहीं। अरे सबसे जरूरी चीज है ये, जब तक रंभा शर्मा नहीं बनेगी ना तो उसको कंट्रोल कैसे करेगी? यार बात तो तूने सही की। सोच रही हूँ एक नाइटी ले लूँ, सेक्सी सी। यार अगर मैं मोमिन लॉ के जैसे ओल्ड फैशन रह गई ना तो ऋतिक मुझे बिल्कुल नहीं देखने वाला। मॉम, तुमने ऋतिक को कहीं देखा है? जी वहां। जानती हो, भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है और भैरवनाथ भी। क्यों? क्योंकि उस न्याय मूर्ति को सबके कर्म का फल देना आता है। जब कोई पुण्य करता है तो वो उसके लिए भोलेनाथ है, और जो पाप करते हैं उनके लिए भैरवनाथ, विनाश के नाथ। और उनके लिए सबसे बड़ा पाप क्या है जानती हो? उनके निष्ठावानों को, उनके सेवकों को चोट पहुंचाना। जाओ अपना कार्य संपन्न करो। आज महाशिवरात्रि है, आज के दिन सभी नाग शिव जी को प्रसन्न करते हैं। आज से तुम्हारा बदला प्रारंभ। गुरुवर, आपने तो कहा था कि आज की रात पूजा के लिए सबसे सिद्ध रात है, तो फिर ये? कटक का कभी गलत नहीं होता। आज सिद्ध रात है, सर्वशक्तियों की रात। किंतु भूल से भी ये समझने की गलती मत करना कि शक्ति सेविका होती है, वो स्वयं अपनी मर्जी की मालिक है। हम उसे आदेश नहीं दे सकते, केवल प्रार्थना कर सकते हैं। वो जो चाहती है वही करती है, चाहे तो बनाती है या बिगाड़ती है। पता नहीं आज की रात शक्ति किस पर दयालु होगी। रुको, देखो ये वही मंदिर है। आपका दिमाग खराब हो गया यामिनी जी। जब देखो यहाँ पर मंदिर की तरफ खींची चली आती है, ऋतिक वहां पर क्या करने जाएगा? हाँ तुम्हें मंदिर जाना है ना, जाओ। मैं जा रहा हूँ ऋतिक को ढूंढने।